बीकानेर की कविता सियाग राजस्थान की पहली महिला साइकिलिस्ट खिलाड़ी है जिसने सीनियर कैटेगरी में लगातार दो बार स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। हाल ही में कविता ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंट रोड में राजस्थान को रजत पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया है। कविता ने बताया कि उनके कोच किशन कुमार पुरोहित एवं श्रवण पुरोहित उनको समय समय पर हौसला देते रहते हैं। इसके अलावा कविता ने बताया कि उसके पिताजी खेती करते हैं और उनका घर उसी से चलता है। कविता करीब 4 साल से साइकिलिंग कर रही है जिससे वे लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। जी बताएं, आपने अभी कौन सा टूर्नामेंट खेल के आए हैं आप? नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित हुआ जिसमें मेरे व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लगा और जो 30 किलोमीटर थी, और उसके बाद में फ्रीडी में नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें मेरे एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल लगा। अच्छा, आपने अब तक कौन कौन से कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं और कहाँ तक आपने नेशनल तक खेले हैं या इंटरनेशनल खेले हैं? मैंने अभी तक 7 से 8 टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ और सबसे ऊपर का मेरे अभी नेशनल गेम्स का ही है। आपके अभी हाल ही में कुछ साल पहले डान रुटे, उसके बारे में बताएं क्या कहानी है? वो मेरे मास्टर के अंदर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई रोड की बेंगलोर में, जिसके फिनिशिंग में मेरे एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरे 7 से 8 दांत टूट गए। फिर मेरे कोच साहब ने कहा कोई बात नहीं है, दांत में तेरे सोने के लगाऊंगा। तो सबसे पहले वहीं से ही मेरी हिम्मत बढ़ी और फिर घर पर आई तो मेरे पिताजी ने बोला कि कोई नहीं, खेल है जिसमें खिलाड़ी गिरेगा और उठेगा। आप कितने साल से खेल रहे हैं साइकिलिंग? अभी 1 मार्च को मेरे 4 साल हो जाएंगे। और आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी वैसे तो किसान हैं और कुश्ती के भी प्लेयर हैं और थोड़े बहुत अलग से भी कोई काम और करते हैं जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। कितने भाई बहन हैं आप? 2 बहनें और 1 भाई। बहन भी मेरी साइकिलिंग करती है और भाई पढ़ाई करता है।